आज तो मैं पूरा पाउडर पाउडर हो गई यार। हेलो माय क्यूट सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स, तो आज आप देख रहे हो मैंने जो ये मेकअप क्रिएट किया है वो मैंने सिर्फ किया है इस लूज पाउडर की मदद से, जो कि आप आगे देखने वाले हो। हम करने वाले हैं 5 रुपए के लूज पाउडर से हमारा सारा मेकअप। तो इसके जो कुछ हैक्स है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लूज पाउडर से आप अपने मेकअप को कितना ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं और कितना ज्यादा बेटर बेस्ट बना सकते हैं। पहले अप्लाई करने वाले हैं फाउंडेशन, तो हमारे पास है लो कवरेज का फाउंडेशन और हैक में है कि लो कवरेज के फाउंडेशन को लूज पाउडर से अगर हम मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है हाई कवरेज का। तो चलिए फटाफट से मिक्स करते हुए लगाते हैं। लूज पाउडर से फाउंडेशन को हाई कवरेज का बनाने वाला जो हैक है वो तो होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत ही ज्यादा मतलब हमारा जो कॉन्टोर है और हमारा जो ब्लश है मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया है। तो अब जो है हमें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमारा ये लूज पाउडर जो है इसको बिल्कुल भी फेड करने में हमारा हेल्प करेगा। तो चलिए इस हैक को भी ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे कंटेनर में हमारा लूज पाउडर। अगर आपने बहुत ज्यादा गलती से लगा लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल पोंछ के खराब नहीं करना है, बस उसके ऊपर आपको लगाना है ये लूज पाउडर, देन आपका काम हो जाएगा। तो अब बारी है आई मेकअप की। तो आई मेकअप में सबसे पहले हम अप्लाई करने वाले हैं हमारा जो है काजल, हम अप्लाई कर लेते हैं और उसके साथ हम लूज पाउडर के साथ क्या हैक करते हैं हम चलिए देख लेते हैं। तो गाइस काजल हमारा लग चुका है और अगर आप चाहते हो कि आपका जो काजल है आपकी आंखों से बिल्कुल भी टच से मस ना हो तो उसके लिए भी हम यूज करने वाले हैं हमारा लूज पाउडर। तो ये वाला जो है कि ना मैं पर्सनली यूज करती हूँ तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप लोग भी देख लो, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये रहा हमारा लूज पाउडर, इसके साथ हमें लेना है एक छोटा सा ब्रश, देन आई के नीचे नीचे हमें कुछ इस तरह से इसे अप्लाई कर लेना है। तो इट्स डन। तो ये वाला हैक बहुत ही ज्यादा काम का है, आप इसे इस हैक को ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल भी आपका काजल जो है अब टस से मस नहीं होगा। तो अब हमारा हैक है जो लूज पाउडर से है वो है हमारा मस्कारा। तो चलिए मस्कारा भी हम यूज कर लेते हैं। तो जो हैक है वो हमारा ये है कि ये जो मस्कारा है उसको हम सबसे पहले जो इसको हम डिप करने वाले हमारे पाउडर में, देन अगेन इसको डिप करना है, एंड देन अगर हम हमारा मस्कारा लगाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा जो हमारा आईलैश है वो वॉल्यूमनाइज लगता है। तो चलिए देखते हैं। यस गाइस ये वाला हैक तो वर्क करता है यार, तो इसके लिए थम्स अप है। तो अब करते हैं हमारा लूज पाउडर से हमारा लिपस्टिक है। ये जो है मेरा लिपस्टिक है, इससे हम करने वाले हैं हमारे लूज पाउडर वाला हैक। चिक मेरी लग चुकी है वो आप देख सकते हो और ये कितना ज्यादा ग्लॉसी है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको बनाना है हमें मैट, तो मैट इसे हम बनाने वाले हमारे लूज पाउडर से। तो अगेन हमें लेकर इस तरह से अप्लाई कर लेना है, आप टिश्यू पेपर भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, वो हैक आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा बहुत ही ज्यादा वायरल है, तो उस तरह से भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं इसे डायरेक्टली ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। तो अब आप देख सकते हो मेरी लिपस्टिक बन चुकी है मैट लिपस्टिक, तो ये थोड़ा सा फेड कर देता है बस। और मैट का मतलब ये नहीं है कि ये जो मतलब ही बिल्कुल हिलेगी, क्योंकि मैट में लिपस्टिक हम कुछ भी यूज करते हैं तो बिल्कुल भी वो ट्रांसफर नहीं होता है, मैट मीन्स ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ मैट हुआ है, मतलब इसने आपके कलर को फेड किया है। तो मुझे अगर ज्यादा लाइट ऐसे ग्लॉसी टाइप दिखता है तभी मैं इसे यूज करती हूँ। ये हैक उतना अच्छा नहीं है, आप ट्राई करना साथ चाहते हो तो कर सकते हो। तो अगर आपके हेयर जो बहुत ही ज्यादा चंपू चंपू टाइप दिख रहे हैं तो चलिए हम पहले बन जाते हैं थोड़ा सा चंपू चंपू टाइप। तो गाइज आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ के हेयर जो है बहुत ही ज्यादा चपटे टाइप दिख रहे हैं। तो आपको करना ये है कि आपको लेना है लूज पाउडर, देन यूज करना है, एक साइड पे अप्लाई करूंगी तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। जी हाँ ये हैक जो है वर्क तो करता है, बट पाउडर को अपने हेयर पे अप्लाई करना मुझे ये ठीक बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ही आप कभी कभी इस हैक को यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये हैक को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना चाहिए आप लोगों को इस तरह से, आपके बालों की क्वालिटी जो है खराब हो सकती है। आज तो मैं पूरा पाउडर पाउडर हो गई यार। ओके तो नेक्स्ट हैक है हमारा इस मेकअप बेस को अच्छे से सेट करने के लिए, जो हम करने वाले हैं हमारे लूज पाउडर से।
इसको हम अप्लाई कर लेंगे हर जगह आंखों के नीचे कुछ इस तरह। ओके इट्स डन। अब थोड़ा सा हमें करना है वेट। जब तक हमें करना है वेट तब तक आप जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो टाइम हो चुका है, अब 5 मिनट वेट करने के बाद आपको अपने मेकअप को सेट करने के लिए करना इतना है बस। आपने जहाँ जहाँ लूज पाउडर लगाया है उसको अच्छे से बस आपको इस तरह से हटा लेना, आपको इसे ब्लेंड नहीं करना है, बस आपको इसे हटा लेना है। ओके गाइस, तो हो चुका है हमारा मेकअप अब डन। तो आपको कैसा लग रहा है मेरा मेकअप वो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। और कुछ इस तरह से आपका ये लुक निकल के आता है तो आप देख सकते हो। डेफिनेटली आपको पता चल चुका होगा कौन सा हैक वर्क करता है कौन सा हैक वर्क नहीं करता है। ये वाला जो हैक था वो वर्क करता है, मैंने यूज किया है काफी बार, तो इससे आपका जो मेकअप है थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग और स्टे कर जाता है आपकी स्किन के ऊपर और पैची बिल्कुल भी नहीं लगता इस तरह से अगर आप करते हो तो। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही न्यू प्रोडक्ट रिव्यू और न्यू हैक्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। बाय बाय।